इंस्टाग्राम पर हमने अकाउंट भी बना लिया और उस अकाउंट को हम ऑप्टिमाइज भी कर चुके हैं। तो अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क की और वो है कंटेंट क्रिएशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट क्रिएशन बाय यूजिंग कैनवा। तो कैनवा एक फ्री टूल है जिसका यूज करके आपको सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए नहीं बल्कि अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अमेजिंग ब्यूटीफुल कंटेंट बना सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं कैनवा पर और देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए बहुत ही आसानी से कॉन्टेंट बना पाएंगे। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSKTech चैनल। सो आज हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोस्ट, वीडियोस एज वेल एज क्राउजल्स हम कैसे बना सकते हैं ऑन कैनवा। तो ऑलरेडी कैनवा का कंप्लीट कोर्स हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इसी चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर करो वो पूरी वीडियो देखो इफ यू वांट टू लर्न द आर्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने उसमें आपको समझाया है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर कैनवा पर चलते हैं। तो ये देखिए, ये है कैनवा। अभी जैसे मैंने यहाँ पर लॉग इन कर रखा है, अगर आपने लॉग इन नहीं भी किया हुआ तो भी आप canva.com पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगी, आप यहाँ पर लॉग इन कर लीजिएगा। अभी ये मेरा फ्री वाला अकाउंट है। वैसे कैनवा में एक प्रो वर्जन भी होता है, उसमें आपको बस कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जैसे आपको कुछ जो टेम्पलेट्स हैं वो कुछ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अदरवाइज इफ़ यू हैव द टैलेंट तो आप फ्री वाले वर्जन से भी बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कैनवा पर ऑलरेडी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंस्टाग्राम के लिए डिफरेंट साइज एंड फॉर्मेट्स बताए थे, उसी साइज एंड फॉर्मेट्स में यहाँ पर ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स, कुछ साइजेस, कुछ ब्लैंक कैनवास बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसे क्रिएट अ डिज़ाइन पर आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जाते ही आपको टाइप करना है इंस्टाग्राम, ठीक है। तो जैसे ही आप इंस्टाग्राम टाइप करेंगे आप देखोगे इंस्टाग्राम से रिलेटेड ये जितने भी सजेशंस आ रहे हैं सारे आपको जो है ये पोस्ट यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट पोर्ट्रेट वाला साइज दैट इज 1080x350 स्क्वायर साइज दैट इज 1080। इंस्टाग्राम वीडियो जो है हमारी पोस्ट वीडियो वो भी आप यहाँ पर टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर जो मैंने आपको 320x320 का पिक्सल बताया था तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। इंस्टाग्राम के रील के भी यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी के भी टेम्पलेट्स हैं, स्टोरी वीडियो एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे मैं एक सिंपली इंस्टाग्राम पोस्ट जो पोर्ट्रेट वाला है वो सेलेक्ट कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये ब्लैक कैनवास यहाँ पर आ चुका है और इस पर आप जो है डिफरेंट डिफरेंट जो अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने कॉन्टेंट से रिलेटेड कुछ क्रिएटिव कॉन्टेंट वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स भी हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये टेम्पलेट्स यहाँ पर कुछ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए जिन पर ये क्राउन वाला ऑप्शन बना हुआ है ये हमारे पेड वाले वर्जन है, और बाकी जो है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इसको आप जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे ये भी एक यहाँ पर देखो एक मैगजीन टाइप यहाँ पर बनी हुई है तो ये भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो और इसको अपने अकॉर्डिंग जो है ऑप्टिमाइज करके आप जो है इंस्टाग्राम के लिए कुछ अमेजिंग कॉन्टेंट बना सकते हो। जैसे यहाँ पर ये जो पूरा टेक्स्ट है ये पूरा इसको आप हटाकर और इसकी जगह पर अपने बिजनेस, अपने ब्रांड से रिलेटेड कॉन्टेंट जो है बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट सर्च भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर जॉब सर्च किया तो जॉब से रिलेटेड जो भी पोस्ट वगैरह है तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, देख सकते हो। जैसे वी आर हायरिंग, अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, अपनी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी जॉब वैकेंसी का यहाँ पर ये आया हुआ है तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हो। उसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूँ तो लेट्स से कि जैसे दिवाली अभी आने वाली है, ठीक है, ओके, दिवाली भी आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर जो है फेस्टिवल अगर आप लिखोगे तो फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ जो है यहाँ पर आ जाएगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग अब आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इनमें से कोई पोस्ट ले लेती हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये नवरात्रि से रिलेटेड जो है एक पोस्ट आ गया, ठीक है, ये इसको अब आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, अपना लोगो वगैरह यहाँ पर लगा सकते हो। लोगो वगैरह लगाने के लिए जो अपलोड वाला सेक्शन है इसके इसमें जो है आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगोज वगैरह जो है वो यहाँ पर डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है तो यहाँ से जैसे मैंने ये लोगो लगा रखा है तो इस लोगो को जो है मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ और इस लोगो को मैं यहाँ पर इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। और इसके सिर्फ इतना ही नहीं, ये जैसे कलर आपको अगर नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि अपने बिजनेस से रिलेटेड लगाना है तो वो भी आप जैसे कर सकते हो। जैसे मैं ये कलर लगा सकती हूँ या फिर वाइट कलर जो है यहाँ पर हम लगा सकते हैं, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है आप यहाँ पर लगा सकते हो। कोई और आपको लाइट कलर लगाना है तो वो भी लगा सकते हो।
फिर उसके अलावा ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है, जैसे मैं इसको अभी कर देती हूँ हैप्पी दिवाली, ठीक है, ये हम कर देते हैं। और इसका जो है मैं यहाँ पर कलर भी चेंज कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम, जैसे अगर आपकी कोई सेल वगैरह आई हुई है तो वो भी आप एलिमेंट लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देती हूँ सेल, इस तरीके से बस एलिमेंट आपको सेलेक्ट करना है और अपने अकॉर्डिंग जो है इसको आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ आप इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है दैट सुपर सेल अप टू 60% ऑफ ऑल ऑन आर कोर्सेज, देन यहाँ पर मैंने वेबसाइट का लिंक लगा दिया है। मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में जैसे मैं यहाँ पर कुछ लाइक दिया या फिर कुछ ऐसा लगा देती हूँ, जैसे कि ये हमने यहाँ पर एक लगा दिया है दिया, जैसे ये देखो सेम कलर मैच कर रहा है, तो ये हमने इस तरह से लगा दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सा मैंने डिज़ाइन लाइक एक मिनट के अंदर यहाँ पर रेडी हो गया, क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट था और उसको अब हमें जो है चेंज करना था थोड़ा सा अपने स्टाइल में। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा टेम्पलेट बन गया। इसको आप यहाँ से जो शेयर वाला ऑप्शन है यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और डाउनलोड जो आप करोगे उसकी क्वालिटी सेम ही रहेगी, मतलब जो भी आपको इंस्टाग्राम के लिए चाहिए एज वेल एज जो साइज़ चाहिए वो भी यहाँ पर रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर जो है डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब तो अभी जैसे मैं डाउनलोड करने लगी तो प्रो वाला, ये वाली जो इमेज थी प्रो वाली थी, तो मैंने जल्दी से इसको चेंज कर ली जैसे इस तरह से लिख के। तो अब जो है हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये हमारी PNG फॉर्मेट में डाउनलोड हो गई है, आप इसको JPEG में कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली योर विश। तो इसको देखो हम यहाँ पर अगर ऐसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो क्वालिटी वगैरह एकदम ठीक ठाक है और इवन साइज भी एकदम इसका परफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर ये पोस्ट बनाया वैसे ही आप और भी कई सारे डिजाइन बना सकते हो। जैसे मैं आपको एक और ट्यूटोरियल दे देती हूँ लाइक जैसे वीडियो का, जैसे अगेन आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपने जैसे आपका कोई ब्रांड है उसके लिए शॉर्ट वीडियोज बना सकते हो एंड बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपको हेल्प करेंगे। जैसे मान लो ये वाला मैंने वो ले लिया, ठीक है, ऑटम से रिलेटेड है। इसके बाद में आप देखोगे तो इसमें आप जैसे टेक्स्ट है इसको चेंज कर सकते हो, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट जो जैसे इमेज आ रही है इसको आप चेंज कर सकते हो, और फिर इसको इंस्टा पर अपलोड करके इसमें जो भी आपको म्यूजिक वगैरह लगाना है वो आप इंस्टाग्राम पर जैसे जो है यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे मैंने ये वाली जो इमेज थी इसमें लगा दी है जैसे ऑटम सेल, ठीक है। और यहाँ पर जो है जैसे ये 5-5 सेकेंड्स के मैंने यहाँ पर इधर ले लिए हैं, और यहाँ पर मैं अपनी जो भी मेरा जैसे बिजनेस रिलेटेड या फिर लेट्स से जैसे मेरे कुछ ड्रेसेस के डिज़ाइन हैं या फिर कोई मेरे बिजनेस रिलेटेड मेरे कोई प्रोडक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर जैसे ऐड कर दूँगी, ठीक है। जैसे अपलोड वाले सेक्शन पे जाते हैं और लेट्स सी कि कोई ड्रेसेस वगैरह हैं या नहीं, तो मैं कोई डाउनलोड कर लेती हूँ रैंडम। जैसे यहाँ पर आप देखो कि मैंने 2-3 यहाँ पर एड्स लगा दी हैं जैसे, ठीक है। तो इसको जब हम प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इस तरह से ये आ गए ऑटम सेल, ठीक है। ऑटम सेल के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो जैसे जो भी मैंने ड्रेसेस वगैरह ऐड की हैं इनका टाइम आप कम भी कर सकते हो, जैसे ये यहाँ पर कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद में आप इसको जो है अपलोड कर सकते हो, इसको म्यूजिक लगा सकते हो, रील्स में डाल सकते हो, क्योंकि अभी तो स्क्वायर साइज में तो रील्स में तो ठीक नहीं रहेगी, रील्स में भी आप सेम चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी डाउनलोड करने के लिए हम सेम ऐसे ही करेंगे, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे, MP4 वीडियो में है और इसका जो साइज वही है एग्जैक्टली जो हमें चाहिए, डाउनलोड करेंगे और अपलोड कर देंगे, ठीक है। सेम चीज़ जो है आप जैसे मैं बैक अगर जाऊंगी तो यहाँ पर आप रील भी टाइप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल वी हैव द रील सेक्शन, इंस्टाग्राम रील सेक्शन है और काफ़ी सारे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। इनको आप देखो साइज जो हमें चाहिए वही है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कुछ आपको टेम्पलेट भी मिलेंगे अच्छे, जैसे इस तरीके से आप जैसे कर सकते हो, देन इनको डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन। और जो भी हमने डिज़ाइन बना रखे हैं वो कहीं भी नहीं जाएंगे, एकदम क्लाउड पे सेव करेंगे। आप बैक होम पर आकर अपने जो ये प्रोजेक्ट्स वाला ऑप्शन है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डिज़ाइन बना रखे हैं वो सारे आपको यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ये वाला हमने डिज़ाइन बनाया, ये दोनों डिज़ाइन बनाए, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। आप इनको ओपन कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, अपनी टीम के साथ में शेयर कर सकते हो। तो कैनवा बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्टेंट क्रिएशन फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। उसी के साथ ही यहाँ पर एक कॉन्टेंट प्लानर का ऑप्शन मिलता है। कॉन्टेंट प्लानर का मतलब है कि आप यहीं से ही अपना सोशल मीडिया को अटैच कर सकते हो और टाइम के साथ में जैसे जैसे आप शेड्यूल करोगे अपने कॉन्टेंट को वो यहीं से ही अपलोड हो जाएगा। तो इज़न्ट इट अमेजिंग। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये आपको प्रो में ही मिलेगा। उसके अलावा एक ब्रांड वाला ऑप्शन है जो कि आपको प्रो में ही ऑप्शन मिलता है। इसके लिए आपको जो कैनवा की हमारी कंप्लीट वीडियो वो देखनी पड़ेगी। उसमें क्या होता है कि आप अपने ब्रांड के कलर, ब्रांड के फॉन्ट वो अलग से ही सेव करके रख सकते हो। तो जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाओ तो आपको पता है कि भाई उन कलर उन फॉन्ट्स को आपको यूज़ करना
करना है तो एक तरह से ये ब्रांड वाला जो टूल है ये भी काफी अमेजिंग है। सो डेफिनेटली ट्राई करो कैनवा को अगर आपने नहीं किया है तो, बी इट इंस्टाग्राम और एनी अदर प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजीली आप यहाँ पर कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। बाकी कैनवा की कंप्लीट वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दूसरी चीज, कंप्लीट कोर्स चल रहा है इंस्टाग्राम का, हर एक चीज हम डेप्थ में समझने वाले हैं यहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो अभी तक अगर आपने अपने प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट में से लिंक उठा लो और देखो वीडियो और अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो और अमेजिंग कॉन्टेंट क्रिएट करो और छा जाओ इंस्टाग्राम पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।